गाड़ी से 8.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से 8.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। इसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं से पूछताछ हुई। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस पैसे से किसी भी तरह का कनेक्शन होने से इनकार किया। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, पार्टी का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। शाम के वक्त इनकम टैक्स ने कांग्रेस दफ्तर पर छापा मारा था। कांग्रेस नेता बता नहीं पा रहे हैं कि आखिरी पैसा किसका है। सबको वो लोग बैठे कहाँ है, लिए पकड़ा गया है? यहाँ से ही पकड़ा गया कि तो अब मेरे पास करेंगे, पैसा बरामद हुई है। कितना पैसा बरामद हुआ है आपके पास? 8.5 लाख। कहाँ से लाए थे पैसा? प्लीज बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि आईटी की छापेमारी में जो रकम मिली उससे कांग्रेस या उसके किसी नेता का कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल। सर, ये बताइए कि कांग्रेस के दफ्तर से करीब 8 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, कौन सा नेता था, किसका पैसा था, किस सिलसिले में आया था? एक बात सही कर दूं आपको कि कांग्रेस के दफ्तर से 1 रुपया नहीं मिला है, ना कांग्रेस से उसे लेना देना है। ये बौखलाहट है भाजपा और जेडीयू की। आप आए हो मेरे कंपाउंड में, आपकी गाड़ी है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है, हजारों गाड़ियाँ आती है जाती है, किसी की गाड़ी की गेट के पास से 8 लाख रुपया मिलता है, एक सबूत दिखा दे। मैंने कहा आइए मेरा पूरा दफ्तर खोल के दिखा दूं, 1 रुपया नहीं मिलेगा। और कहाँ रखी हुई थी? बाहर कंपाउंड में, मुझे कोई लेना देना नहीं।